नमस्कार दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकते हैं। यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के देशों से लगातार चेतावनी मिल रही है, लेकिन पुतिन नहीं मानते हैं। और अगर हमले का आदेश दे देते हैं तो इससे केवल यूरोप पर ही असर नहीं होगा बल्कि भारत पर भी बहुत असर पड़ सकता है। यूक्रेन पर रूस के हमले के खतरे को देखते हुए भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास की तरफ से अपने सभी नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने को कहा गया है। भारतीय एडवाइजरी में कहा है कि यूक्रेन में लगातार बढ़ते तनाव और अस्थिरता को देखते हुए सभी भारतीय नागरिकों को, जिनका रुकना बहुत जरूरी नहीं है, और सभी छात्रों को भी सलाह दी जाती है कि अस्थायी रूप से यूक्रेन जल्दी से जल्दी छोड़ दे। उपलब्ध सभी कमर्शियल फ्लाइट को समय से निकालने के लिए कहा जा सकता है। कई यूनिवर्सिटी ने छात्रों को ऐसी कठिन समय में लौटने को कहा है और फ्लाइट की जानकारी के लिए दूतावास के संपर्क में रहने को भी कहा है। यूक्रेन संकट के बीच अगर चीन रूस पर दबाव बनाता है और कहता है कि भारत की सैन्य सप्लाई रोक दो, तो रूस अपने हित के लिए भारत की सैन्य सप्लाई भी रोक सकता है। भारत के लिए बहुत मुश्किल का वक्त है, क्योंकि इस तरह अमेरिका एक साथ चीन और रूस को मैनेज नहीं कर सकता, उसी तरह से भारत एक साथ अमेरिका और रूस को मैनेज नहीं कर सकता। यूक्रेन का डोनबास जिला का, जो रूस और यूक्रेन के बीच विवाद में सबसे अहम है, अगर युद्ध होता है तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ने वाला है। आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।